नमस्कार न्यूज टॉप 10 मा स्वागत छ म निशा मोक्तान। कोशी सरकार विरुद्ध को रिट माथि सुनवाई शुरू। कोशी सरकार बारे रिट को पेशी न्यायाधीश द्वय सुषमा लता माथेमा र तिल प्रसाद श्रेष्ठ को संयुक्त इजलास में। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक में आज सभापति र महामंत्री ने केन्द्रीय सदस्य राखे धारणा में जवाब दिदै बैठक में प्रस्तुत भएको 10 एजेंडा बारे मंगलवार निर्णय होने। कृषि मंत्री को राजीनामा माद्दै कालीमाटी तरकारी बजार में किसान को प्रदर्शन। कालीमाटी तरकारी बजार का सटर पुनः भाड़ा में दिने समझौता खारेजी को माग। तरकारी बजार का सटर र स्टलहरू खुला प्रतिस्पर्धा का आधार में भाड़ा में लगाउन सरकारलाई दबाव। माइती घर मंडाला में बढ़ते सभा जुलूस करने को भीड। दैनिक होने सभा जुलूस धरना थापाथली त्रिपुरेश्वर कुपंडोल तर्फ मोड़ने सड़क अवरुद्ध। सिंधुली में संचालित सुनकोशी मरीन डाइवर्सन बहुद्देश्य आयोजना को काम तीव्र गति में। राष्ट्रीय गौरव को आयोजना को निर्माण ने मध्य प्रदेश का आधा दर्जन जिला में सिंचाई पुग्ने अपेक्षा। नया मौद्रिक नीति ने अर्थतंत्र चलायमान बनने अर्थमंत्री प्रकाश शरण महत को दावी। मौद्रिक नीति ने लगानी को वातावरण सहज बनाने विश्वास। वर्तमान सार्वजनिक खरीद ऐन विकास मैत्री नभएकाले ऐन संशोधन करने सरकार को तैयारी। आयोजना निर्माण को काम ढिलाई हुन नदिने प्रतिबद्धता। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर को अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्ने संकेत। लोगो परिवर्तन गरी नीलो रंग को चरा को सट्टा अंग्रेजी अक्षर एक्स बनाउने ट्विटर का मालिक एलन मस्क को घोषणा। लोगो परिवर्तन सँगै वेबसाइट को नाम x.com राखिने। चीन में स्कूल को जिमखाना को छत खस्ता 11 जना को मृत्यु। 4 जना घटनास्थल बाट सकुशल बाहर निस्कन सफल। भवन का इन्चार्ज प्रहरी को हिरासत में। र नेपाली क्रिकेट टोली का स्पिनर संदीप लामिछाने आबद्ध सर्वे जुगु आर्स को दोस्रो खेल वर्षा का कारण रद्द। 6 टोली सहभागी लीग में सर्वे 5 स्थान में। हवस्ता यूनिवर्सल न्यूज टॉप 10 अहिलेलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला यूनिवर्सल टेलिभिजन। नमस्कार।